हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक्स है लिमिट्स। देखिए लिमिट का पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको अपन अच्छे से समझेंगे क्या होता है करके, जो आपके बुक्स वगैरह में इस तरीके से डेफिनेशन वगैरह आपको गिवन रहता है आपका। अ लिमिट इज़ द वैल्यू दैट अ फंक्शन। लिमिट क्या होती है आपकी, फंक्शन की वैल्यू कैसी वैल्यू होती है, यहाँ पे अप्रोचेस वैल्यू होती है। अ लिमिट इज़ द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस। एक फंक्शन क्या है, एक वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है। एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू। इनपुट यानी क्या है, जैसे मैंने क्या किया, एफ एक्स लिया, इनपुट का मतलब एक्स, एक्स एफ एक्स क्या हो गया आपका, फंक्शन हो गया आपका। तो ये जो फंक्शन हो गया, ये एक क्या है, एक वैल्यू मैंने क्या ले लिया, एल। ये फंक्शन है, वो क्या है, एल पे अप्रोच हो रहा है। एज द इनपुट यानी एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू क्या है आपका, सम वैल्यू ए। तो इस तरीके से आप लिमिट यूज करते हैं, कि लिमिट का डेफिनेशन यूज करते हैं। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। इक्वल एल का मतलब क्या होता है, इक्वल एल का मतलब क्या होता है, ये एफ एक्स अप्रोचिंग टू एल है। यानी इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, एफ एक्स क्या है, एल पे अप्रोच हो रहा है, व्हेन एक्स क्या है आपका, ए पे अप्रोच हो रहा है। इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक और फॉर्म इसका, एच नोटेशन। एच नोटेशन में आप इस तरीके से यूज करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में आप यूज करते होंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, एच क्या होता है। तो पहले एच के बारे में हम समझ लें, ये तो खैर आपको बुक्स वगैरह में मिलता है, लेकिन एच क्यों यूज करते हैं और एच क्या होता है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो अपन अपने को लिमिट की स्टडी करनी है, फर्स्ट देखेंगे अपन पॉइंट नेबरहुड से आपको समझ में आएगा एच क्या होता है करके। उसके बाद भी अपन देखेंगे इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट, यानी कि अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसमें देखेंगे कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करेगा व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसके बाद फिर अपन देखेंगे इसका ग्राफिकल अप्रोच टू लिमिट। तो पहले अपन बात करते हैं नेबरहुड की बात करें। देखिए पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नेबरहुड। देखिए नेबरहुड समझना अपने को जरूरी है, नहीं तो फिर अपने को समझ नहीं आता एच क्या होता है करके। देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, एक आर्बिट्री वैल्यू लेंगे। एच क्या लिया आपने, आर्बिट्री वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 to 1। एच आर्बिट्री वैल्यू लिया, यानी एच की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 to 1। 0 to 1 आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी एच की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1/2, एच की वैल्यू 1/3, एच की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1/100, एच की वैल्यू क्या लेते हैं, 1/1000, और इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं। तो एच जो लेंगे वो आर्बिट्री वैल्यू लेंगे 1/1000000 एंड सो ऑन। लाइट ईयर तक भी आप 0 ले सकते हैं, या 2 light year, 3 light year। तो ये एच, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, एच क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 to 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एच की वैल्यू मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 क्या है, डज नॉट लाइज बिटवीन 0 to 1। एच की वैल्यू मैं नहीं ले सकता -1, क्योंकि -1 डज नॉट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच में क्या है, आप वैल्यू ले लेंगे एच की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/100। तो जिसमें आप लिमिट एस टेंस टू 0 यूज़ करते हैं ना, अपन यूज़ करते हैं लिमिट एस टेंस टू 0। तो यहाँ पे ये एच क्या होता है, यही वैल्यू होती है आपकी, यानी इस तरीके से आप वैल्यू आप यूज़ करते हैं।
यानी एच क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एच लेना है आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू यानी क्या, एच को हम जितना नियर अबाउट जीरो ले सकते हैं, ले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे, लेकिन वन से ग्रेटर देन या फिर जीरो से लेस देन आपका नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री वैल्यू का मतलब क्या है कि आप वैल्यू, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आप इसका जो वैल्यू है एच की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप जीरो के नियर अबाउट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 1/2 लिया, 1/3 लिया, फिर 1/100 लिया, कोई भी लिया, 1/1000, 1/1 क्या लिया, 10,000 लिया, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये एच का रोल बहुत, एच का रोल है आपका किसमें, पॉइंट नेबरहुड में। तो पॉइंट नेबरहुड को समझने के लिए यहाँ पे एच समझना था। एच क्या होता है आपका, आर्बिट्री वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 to 1। अब अपन पॉइंट नेबरहुड की बात करते हैं। देखिए, आपने क्या किया, कोई आपने एक रियल नंबर लिया, जैसे मैंने, आप रियल नंबर में आप पॉजिटिव नेगेटिव रूट, आप चाहे रैशनल या इरेशनल कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक रियल नंबर ले लिया, सपोज मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैंने रियल नंबर ले लिया 3 मैंने रियल नंबर ले लिया। सो वी फॉर्म एन ओपन इंटरवल। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 3 को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, आप एक ओपन इंटरवल फॉर्म करेंगे, उसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होना चाहिए आपका, 0 to 1 होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए 0 to 1। तो 3 यहाँ पे क्या है आपका, 3 रियल नंबर है, तो इसको सेंटर लेते हुए क्या करते हैं, अपन एक रेडियस ड्रॉ करें, इसका रेडियस क्या होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए। तो जैसे मैंने क्या किया, हाफ रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हाफ रेडियस का जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन में जितने सारे पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा या सेट होगा, वो क्या होगा आपका, पॉइंट नेबरहुड होगा। किस पॉइंट का नेबरहुड होगा, 3 पॉइंट का नेबरहुड होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यदि आप सर्कल ड्रॉ नहीं करते हैं तो भी क्या होगा, आप क्या करेंगे कि 3 आपने रियल नंबर लिया, 3 रियल नंबर लिया, और क्या करेंगे आप, रेडियस आप लेंगे 0 to 1। तो मैंने क्या किया, हाफ रेडियस का क्या किया, मैंने एक ओपन इंटरवल फॉर्म कर लिया, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 3 + 1/2, ये 3 + 1/2 होगा, ये क्या होगा आपका, 3 - 1/2। तो इस तरीके से मैंने एक ओपन इंटरवल फॉर्म कर लिया। तो इस ओपन इंटरवल में जितने सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट क्या होंगे आपके, नेबरहुड ऑफ 3 होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेबरहुड ऑफ 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NBD, यानी नेबरहुड ऑफ 3 क्या मिला आपको, वी फॉर्म एन ओपन इंटरवल हैविंग रेडियस हाफ 0 to 1। सो दिस ओपन इंटरवल इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ 3। तो नेबरहुड ऑफ 3 देखिए आप कैसा फॉर्म कर सकते हैं, आपने एक ओपन इंटरवल बनाया, इंटरवल पे अपन डिस्कस किए थे काफ़ी अच्छे से, ये आपने क्या किया, एक नेबरहुड बनाया, एक ओपन इंटरवल बनाया, ये ओपन इंटरवल क्या होगा आपका, नेबरहुड ऑफ 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एच की बात क्यों कर रहा था कि आर्बिट्री वैल्यू है, इस पे बात करते कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको रेडियस क्या लेना है, 0 to 1 लेना है। तो आप क्या है, 1/2 रेडियस का भी बना सकते हैं, 1/3 रेडियस का भी बना सकते हैं। जब आप 1/3 रेडियस का बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3। 1/3 रेडियस का आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 - 1/3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 3 + 1/3। तो आपने क्या किया, एक ओपन इंटरवल फॉर्म कर लिया। तो ये जो ओपन इंटरवल होगा इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ 3। तो नेबरहुड ऑफ 3 अपन ऐसा ही बना सकते हैं, नेबरहुड ऑफ 3 इक्वल क्या होगा, ओपन इंटरवल 3 + 1/3 और 3 - 1/3, इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। देखिए नेबरहुड ऑफ 3 आप ऐसा भी फॉर्म कर सकते हैं, नेबरहुड ऑफ 3 + 1/100, यहाँ पे मैंने रेडियस क्या लिया, मैंने 1/100 लिया, और 3 - 1/100 लिया मैंने। तो ये सारे क्या होंगे, नेबरहुड ऑफ 3 होंगे। लेकिन देखिए नेबरहुड ऑफ 3 आप इस तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते कि जो लेंथ जो लेनी होगी आपकी, लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ जो इसका रेडियस की लेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, 0 to 1 होना चाहिए आपका।
देखिए मैंने जैसे फॉर्म किया 3-2 और 3+2, यहाँ पे क्या है, ये रेडियस क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो ये नेबरहुड ऑफ 3 नहीं होगा, नॉट नेबरहुड ऑफ 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, आपका 2 क्या है, नॉट लाइज बिटवीन 0-1 हो रहा है। तो इसको हम जनरलाइज करें, जनरलाइज करें यानी क्या है कि भाई आपको क्या है, रेडियस क्या लेना है आपको, रेडियस लेना है आपको 0-1, तो ये रेडियस क्या है आपका, नेबरहुड ऑफ 3 बनाना है, तो मैंने 3-3 + 3 बनाया, आप 3+1/3, 3-1/3 बना सकते हैं ओपन इंटरवल, कोई 3+1/100, 3-1/100 बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था आर्बिट्री वैल्यू। तो जो रेडियस जो लेंगे, रेडियस क्या होगा, एच क्या होगा, 0-1 होगा, रेडियस को मैंने h ले लिया इसका, तो h क्या लेंगे आप, 0-1 लेंगे, वेयर h इज आर्बिट्री वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0-1। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म में आप इसका नेबरहुड ऑफ 3 कैसे बना सकते हैं, h के फॉर्म में नेबरहुड ऑफ 3 इक्वल क्या होगा, 3-h, h क्या है आपका, लाइज बिटवीन 0-1, 3+h, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, नेबरहुड ऑफ 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो h जो यूज़ होता है, h क्या होगा, h इज़ अ सो स्मॉल वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0-1। अब यहाँ पे h की वैल्यू आप चाहें तो 1/ क्या ले सकते हैं, 10,000, या फिर 1 लाख, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है आपका नेबरहुड ऑफ h। तो देखिए इसको, देखिए इसके बाद फिर अपने को देखना है इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा अपने को कि लिमिट क्या होता है करके, और इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, देखिए आपने एक फंक्शन ले लिया fx, क्या लिया आपने फंक्शन, x²-9/(x-3), इस पर बात करते हैं, ये क्या है आपका, रेशनल फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि आप 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 9-f3 की वैल्यू क्या होगी आपकी, f3 की वैल्यू होगी 9, 3², 9, 9-9/(3-3), तो ये क्या मिलेगा आपको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला आपको, इसका डोमेन आपका 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका डोमेन क्या है, आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, अपने को फाइनाइट वैल्यू देगा ये, 1 पुट करिए, 5 पुट करिए, √2, √3, π पुट करेंगे, तो ये सब वैल्यू क्या होगी, फॉर एवरी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन 3 के लिए ये ऐसे फॉर एवरी वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन ये 3 के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन जो होगा, इसका डोमेन क्या हो गया आपका, r-3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, ये मिला आपको x²-9, 9 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, 3²/(x-3), इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा x-3, फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको, x+3/(क्या है आपका, x-3, तो ये क्या मिला, आप इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपको रिजल्ट मिला आपको x+3, आपने फैक्टराइज किया, कॉमन वैल्यू कैंसिल हो गई, आपको क्या मिला आपको रिजल्ट x+3। देखिए यहाँ पे मैंने fx नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक फंक्शन है आपका x+3, इसका डोमेन क्या है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, वैसे भी देख सकते हैं ये लीनियर पॉलीनोमियल है आपका, पावर x मिल रहा है, मीन्स क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल, तो इसका डोमेन क्या होगा, फॉर एवरी रियल नंबर, क्यों, क्योंकि ये फॉर एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो ये डोमेन इसका हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर। लेकिन इसका डोमेन क्या था आपका, fx का डोमेन क्या था आपका, r-3, लेकिन इसका डोमेन क्या है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, 3 भी होगा इसका डोमेन, लेकिन इसका डोमेन आपका 3 नहीं है, तो मैंने इसको gx सपोज कर लिया, इसका मतलब ये डिफरेंट फंक्शन है। देखिए इसको मैं इसलिए यहाँ पे इसको इसलिए मैंने सॉल्व किया कि देखिए आपको एक दोनों में एक आपको रिलेशन मिल जाएगा, आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा, देखिए
आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एंड जी एक्स क्या हो गया आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास टू फंक्शंस हो गए। इसका डोमेन क्या है आपका आर माइनस थ्री, ये डोमेन हो गया इसका आपका, इसका डोमेन क्या हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। देखिए इसको मैंने इसलिए यूज़ किया, देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे वन पुट किया, जी वन की वैल्यू क्या होगी, जी वन की वैल्यू होगी फोर, वन प्लस थ्री ये रिजल्ट क्या होगा फोर आएगा। एफ वन की वैल्यू क्या होगी, एफ वन की वैल्यू क्या होगी वन स्क्वायर वन माइनस नाइन अपॉन वन माइनस थ्री, रिजल्ट क्या होगा माइनस एट बाई माइनस टू, इसका भी रिजल्ट क्या होगा आपको फोर आएगा। आप यहाँ पे टू पुट करिए क्या होगा आपका थ्री प्लस टू फाइव होगा, जी टू की वैल्यू फाइव होगी। यहाँ पे टू पुट करेंगे क्या होगा फोर माइनस नाइन अपॉन क्या होगा टू माइनस थ्री, टू पुट करने से टू स्क्वायर फोर हो जाएगा आपका, तो फोर माइनस नाइन क्या होगा माइनस फाइव, और क्या होगा आपका टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस फाइव बाई माइनस वन रिजल्ट क्या होगा फाइव। देखिए ये जो फंक्शन है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो रही है अदर देन थ्री, क्योंकि जब आप थ्री पुट करेंगे यहाँ पे एफ थ्री की वैल्यू क्या होगी नाइन माइनस नाइन थ्री माइनस थ्री जीरो बाई जीरो आएगा ये होगा, और जी थ्री की वैल्यू क्या होगी आपकी थ्री प्लस थ्री यानी सिक्स होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है सिर्फ थ्री को छोड़ के, ध्यान रखिएगा सिर्फ थ्री को छोड़ के बाकी वैल्यू आपकी सेम आएगी इन दोनों फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या है मैंने जी एक्स क्यों यूज़ किया, ताकि अपने को एफ एक्स में बार बार वैल्यू ना पुट करना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे को जैसे 1.23 पुट करना है, यहाँ पे वन एफ 1.2357 ये पुट करना है, तो 1.2357 स्क्वायर माइनस नाइन 1.2357 माइनस थ्री, यहाँ पे 1.2357 पुट करूँगा तो मेरे को प्लस थ्री कर दूंगा तो ये रिजल्ट निकल जाएगा। तो एक तरह से ये हमारा क्या करेगा हेल्प करेगा, ये हमारा हेल्प करेगा ये। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन एफ एक्स लिया, इसको सॉल्व करके हमने क्या किया एक दूसरा फंक्शन जी एक्स डिज़ाइन कर लिया। और इसमें क्या रिलेशन है देखिए, आपको क्या रिलेशन मिला यहाँ पे, एक रिजल्ट मिला आपको एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ये कब मिलेगा व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। तो जब आप थ्री यहाँ पे थ्री अदर देन थ्री कोई भी वैल्यू डालेंगे तो दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू थ्री, क्योंकि एफ थ्री की वैल्यू क्या है आपकी जीरो बाई ज़ीरो, और जी थ्री की वैल्यू क्या होगी आपकी थ्री प्लस थ्री थ्री यानी क्या होगा सिक्स होगा। तो ये एक अपन ईजी करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है कि भाई हमको क्या है एफ एक्स का अप्रोच समझना है, तो हम जी एक्स का अप्रोच यानी जी एक्स में वैल्यू डाल के देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आपका वेरिएट होता है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा। यहाँ पे देखिए आपका एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है जीरो बाई ज़ीरो पे, तो अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप कोई दूसरा वैल्यू भी लेके देख सकते थे, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ देखिए थ्री है यहाँ पे थ्री, जैसे कोई भी ग्राफ लिया मैं, जैसे सपोज ये मैंने ग्राफ लिया, इसको इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। ग्राफ लिया तो ग्राफ की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे क्या है जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज पॉइंट ले लिया ए, ए मैंने पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं इसके नेबरहुड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ए ए हो गया ही, तो ये क्या होगा आपका ए माइनस एच, और ये क्या होगा आपका ए प्लस एच। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इसके नेबरहुड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो अपने को क्या होगा इस पॉइंट पे अपने को नेचर अपने को इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने को बिहेव कर रहा है, क्योंकि थ्री अपन पुट नहीं कर सकते यहाँ पे,
थ्री अपन नहीं पुट कर सकते, लेकिन अपन ये देखते हैं कि थ्री के आसपास वैल्यू डालने से एफ एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू किस तरीके से अप्रोच हो रही है वो अपन देखते हैं क्या आ रहा है। ये क्या है आपका, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री से कम वैल्यू डाल के देख रहा हूँ कि क्या होगा करके, एफ एक्स की वैल्यू किस तरीके से बिहेव करती इस पर अपन बात करते हैं। थ्री से पहले वैल्यू आप क्या डाल सकते हैं, अपन टू या फिर वन भी डाल सकते हैं, लेकिन अपन इसके नेबरहुड पे बात कर रहे हैं। नेबरहुड यानी क्या है, हम बहुत दूर से वैल्यू अपन नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे थोड़ा सा, क्या ये थ्री है तो थ्री से पहले क्या होगा टू, टू या फिर टू के बाद अपन वैल्यू पुट करते हैं। टू टू थ्री अपन देखते हैं एफ एक्स का नेचर किस तरीके से हो रहा है। चलिए वैसे टू तो खैर नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे समझने के लिए टू पुट कर दे रहा हूँ, टू पुट करते हैं क्योंकि अपन नेबरहुड पे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने टू पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टू स्क्वायर माइनस नाइन बाई टू माइनस थ्री, तो ये अपना हेल्पर है। तो यहाँ पे क्या है, जी टू निकाल लेते हैं, तो जी टू क्या होगा, देखिए टू प्लस थ्री फाइव होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी फाइव। यहाँ पे जैसे मैं पुट किया 2.1 पुट किया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो दिक्कत, यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू सेम आएगी आपको, 2.1 प्लस 3 रिजल्ट क्या होगा आपका 5.1 होगा आपका। फिर मैं पुट किया 2.9 तो रिजल्ट क्या होगा, 3 ऐड करते जाइए, प्लस 3 ऐड करते जाइए, इसमें 5.9 होगा। फिर अपन पुट करते हैं 2.9999 फोर टाइम्स 9, तो रिजल्ट क्या होगा 5.9999, ये मिला आपको। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, टू पॉइंट नाइन एंड सो ऑन, वन लाइट ईयर रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 5.9999 वन लाइट ईयर, ये आपको मिलेगा रिजल्ट। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, और वैल्यू डाल सकते हैं 2.9999, अपन क्या करें यहाँ पे 5 लाइट ईयर टाइम्स अपन क्या करें 9 डालें, तो एफ एक्स क्या होगा इसमें प्लस 3 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा 5.999 क्या होगा आपका 5 लाइट ईयर टाइम्स 9 होगा। तो अब अपने को देखिए इसका अप्रोचिंग वैल्यू अपने को देखना है कि देखिए एक्स कहाँ पे अप्रोच हो रहा है भाई, एक्स अप्रोच हो रहा है 3 पे, ये वैल्यू ओवरऑल कहाँ पे अप्रोच हो रही है, 3 पे अप्रोच हो रही है। तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, x अप्रोचिंग टू 3, किस साइड से अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 से पहले आपने वैल्यू दिया ना, तो 3 पे अप्रोच हो रहा है, x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ पे 3 पे अप्रोच कर रहे हैं, किस साइड से यूज़ कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड से अपन अप्रोच कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 पे अप्रोच हो रही है लेफ्ट हैंड साइड से। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, देखिए तो ये वाली वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, 6 पे अप्रोच हो रही है। एक्स की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, 3 पे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, 6 पे अप्रोच हो रही है। यानी एक्स की हाइट, जब आप एक्स की वैल्यू, अब ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे इसका, यानी एक्स यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो जब x की वैल्यू 3 पे अप्रोच होगी तो ये जो हाइट है, ये हाइट कहाँ पे अप्रोच हो रही है आपको, 6 पे अप्रोच हो रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन इसको लिख कैसे सकते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इफ़ x टेंस टू 3 एफ x टेंस टू 6, तो ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है। सो दिस इज सेट टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एक्स क्या है 3 पे अप्रोच हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है, 6 पे अप्रोच हो रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, किसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, कि एफ एक्स टेंस टू 6, यानी क्या है इसको बोलते हैं, टेंस टू बोलते हैं, यानी एफ एक्स क्या है 6 पे अप्रोच हो रहा है, तो जो 6 को क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स क्या है आपका 3 पे अप्रोच हो रहा है, तो एफ एक्स कहाँ पे अप्रोच हो रहा है, 6 पे अप्रोच हो रहा है। ध्यान रखिएगा लिमिट यानी क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच होती है, कब, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 3 पे अप्रोच किया, तो एफ एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ मैं, 6 पे, से एफ एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, 6 पे अप्रोच हो रही है। तो जो एफ एक्स की जो अप्रोचिंग वैल्यू होती है, दिस इज
सेट टू बी क्या होगा आपका लिमिट। तो पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो ये इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसको आप ऐसा लिखेंगे, हमने क्या बोला लेफ्ट हैंड साइड से पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्स थ्री पे अप्रोच हो रहा है, तो एफ एक्स क्या हो रहा है आपका सिक्स पे अप्रोच हो रहा है इस एग्जांपल के लिए ना। तो इसको पूरा प्रोसेस को अपन क्या किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एक्स क्या थ्री पे अप्रोच हो रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू सिक्स, इसका मतलब ये क्या है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स टेंस टू सिक्स को अपन क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सिक्स इफ लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। अब यहां पे क्या है देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड यूज किया करके मैं यहां पे माइनस यूज करूंगा क्योंकि इससे अपने को पता चलेगा कि वैल्यू कहां से अप्रोच हो रही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू सिक्स, दिस इज सेड टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद बात करते हैं पर राइट हैंड लिमिट।